सदियां बीत जाती है ज्ञान को संग्रहित करने में। ये धर्म समीक्षा, ये नीति शास्त्र, ये वास्तु शास्त्र, ये नगर रचना शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, क्या नहीं था यहां पर। कितने दूर देशों से आते थे विद्यार्थी यहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए। यहां इस भारतवर्ष के गौरव स्थान पर ये निरी भिक्षुगण न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लगाए होंगे इन्होंने इन सब का निर्माण करने में। क्या अपराध था इनका? ज्ञान को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचाना, क्या यह अपराध था इनका? मानव जाति के कल्याण के लिए दिन रात मर खपना, क्या यह अपराध था इनका? अरे पाखंडियों, क्या अपराध था इनका? कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हें तो प्रिय है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा वर्चस्व, जिसके लिए तुमने सहारा लिया मनुस्मृति का और यातनाएं दी हम सबको। किंतु एक बात ध्यान रखना, मैं इस भारतवर्ष का मूल निवासी तुम्हें कहता है, ये जो तुमने आग लगाई है, इसे आने वाला समय कभी कभी माफ नहीं करेगा। और यही आग तुमको, तुम्हारे मनु को और उसकी मनुस्मृति को जलाकर भस्म कर देगी। शक्तिनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि शूद्रेण शक्तिनापिशूद्रेण न कार्यो धन संचय। शूद्रोपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाधते। शूद्रोपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाध्यते। ब्राह्मणानेव बायते नहीं, ब्राह्मणानेव बाधते। अर्थात सामर्थ्यवान होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संचय होने पर वे ब्राह्मणों के लिए उपद्रव खड़ा करते हैं। दादाश्री, क्या शूद्र उपद्रवी होते हैं? बहुत उपद्रवी होते हैं, बहुत उपद्रवी होते हैं। उन्हें कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए, न धन का न ज्ञान का। उन्हें सदैव अपना दास बनाकर रखना चाहिए। क्यों दादाश्री? क्योंकि उन्हें अवसर मिले तो वे हमसे प्रतिशोध लेंगे बेटा। अच्छा। हम संख्या में कम हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने श्रेष्ठत्व का अधिकार खोना नहीं चाहिए। यही हमारा ब्राह्मण धर्म है। ये बात तुम्हें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी स्मरण में रखनी चाहिए, अब भी और जब तुम वयस्क हो जाओ तब भी और निरंतर। जी दादाश्री। अभी जो तुमने श्लोक कंठस्थ किया है ना, वह हमारे महामहिम मनु जी का है, उन्हीं के परंपरा के जगत गुरु श्री शिवाचार्य जी का कल प्रातः प्रवचन आयोजित किया गया है। उन्हीं के वचन सुनने के लिए हमें प्रस्थान करना है। अभी हम विश्राम करेंगे। शक्तिनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। हे धर्मरक्षक प्रजागण, मैं आज आप सबको महान सनातन धर्म की गौरव गरिमा से अवगत कराते हुए स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। राम और कृष्ण जैसे देवताओं का यह वैदिक धर्म सारे विश्व में अति प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है।
समाज का हर व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक व्याप्त करे, इसलिए उसे सनातन धर्म का एवं उसके नियमों का कठोरता पूर्वक अपने जीवन में पालन करना होगा। तभी समाज की हर जाति का व्यक्ति सुखमय स्वर्ग को प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के कर्म के आधार पर ही चार वर्णों में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी को अपने कर्म बड़े ही भक्तिभाव से मनुस्मृति के अनुसार ही करने चाहिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम परिमाणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव जाति पर जब जब भी संकट आते हैं, तब तब उनके संकट के निवारण के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तदनुसार भगवान के नवे अवतार श्री भगवान बुद्ध अवतरित होकर मनुष्य जाति को समता एवं बंधुत्व का संदेश देकर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है, सभी चारों वर्ण के व्यक्ति एक जैसे हैं, सिर्फ उनके कर्म भिन्न भिन्न है। इसलिए भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ, सरासर झूठ, पाखंड है ये सब। भाइयों भाइयों, इसके भूल भुलैया पाखंडी बातों के जाल में ना फंसो। ये ब्राह्मणवादी हम सबको बहका रहा है। जिस महान तथागत बुद्ध ने समता का मार्ग बताकर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा है, तो फिर वो ईश्वर के अवतार कैसे हुए? ये पाखंडी ब्राह्मणवादी बुद्ध को भगवान का अवतार बताकर मनुवादी वर्ण व्यवस्था के चपेटे में लेकर हमें फिर एक बार दासता के अंधेरे में धकेल रहा है। अरे क्षत्रिय, देख क्या रहे हो? अरे धर्म डूबा जा रहा है। राज सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। पकड़ लो इसे, इस अधर्मी की हत्या कर दो, ताकि कोई पापी और अधर्मी इस धर्म के विरुद्ध आवाज न उठा सके। जाओ इसे पकड़ो और खत्म कर दो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ। हे मनु महाठगुआ, 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 हम जानी क्षत्रिय के संग रास रचायो, क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। मनुस्मृति गालियो लुआठा कियो बहुत सैतानी रे बाबा, कियो बहुत सैतानी। दलितन के घर आग लगायो, छूने दियो ना पानी रे भाई, छूने दियो ना पानी। हे जीरे जीरे हाँ, चारों को बांटा, चारों वर्ण में देश को बांटा, गजब तेरी मन मानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी।
तो कियो निरक्षर सदियां यूं ही बितानी साथ गरीबी पीछे छायो कैसी वेद पुरानी रे बाबा कैसी वेद पुरानी मानव से मानव लड़वायो खून से लिखी कहानी रे बहुजन खून से लिखी कहानी है जीरे जाग बिरादर बांध मुष्टिका बहुजन राज चलानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी क्षत्रिय के संग रास रचायो क्षत्रिय के संग रास रचायो बामन हाथ बिकानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी हे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हिंदू समाज आडंबरों से घिरा हुआ था। ब्राह्मणों का महत्व अधिक था। भगवान के नाम पर और मंदिर की आड़ में व्यभिचार चल रहा था। ऐसे ही वातावरण में धार्मिक सुधारक के रूप में संत आए। तमिलनाडु के संत अभयाचार्य, त्यागराज, पोतन्ना और वैमन, आसाम के संत श्री शंकर देव, उड़ीसा के संत जगन्नाथ दास और सरलदास, कश्मीर के संत परमानंद और लल्लेश्वरी, राजस्थान के संत दादू दयाल, बिहार के संत दरिया, गुजरात के संत नरसिंह मेहता, पंजाब के संत गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, उत्तर प्रदेश के संत कबीर, महाराष्ट्र के संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखामेला और सोहराबाई इत्यादि संतों ने मानवीय धर्म पर जोर दिया। इन्होंने जो कुछ कहा उसका आधार वेद या धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि निजी अनुभव था। संत कबीर और संत तुकाराम ने अपने विद्रोही विचारों से ब्राह्मण समाज में खलबली मचा दी। गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को नष्ट कर ब्राह्मणवाद को ही खत्म कर दिया। तिरुवल्लुवर, गोरखनाथ, सावतामाली, गोरा कुंभार, सेनानाई, मीराबाई, शारदा मणिमा, रमन महर्षि और मेहर बाबा जैसे संतों ने भूत प्रेत, अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण का खंडन किया। समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड को ललकारा और अपनी विद्वत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान प्राप्ति उच्च जात वालों की बपौती नहीं है। इन संतों के वचन, उपदेश, दोहे, अभंग और आरतियों से समाज प्रभावित तो हुआ किंतु परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि समाज का अंतकरण ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। सुनो सुनो सुनो, पूना के नागरिकों, विद्वानों, प्रजाजनों, ब्राह्मण कुलोत्पन्न मेहरबान पेशवाओं।